डीएल स्टूडेंट मोस्ट वेलकम अगेन सरताज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं आप लोगों का अपना अखंड सर आपको पढ़ाने आया हूँ। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। आपने उस दिन देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, m माइनस एम वन बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस एन। सोल्यूशन हम क्या करेंगे इसको, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, हमने ले लिया m, m माइनस टू वन माइनस वन बाई टू, मतलब वो m माइनस क्या ले लें हम इसको, m बाई टू कर लें, m बाई टू कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम वन यहां से ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, m बाई टू और वन बाई टू दो भाग हो गए ना, m बाई टू और वन बाई टू माइनस वन बाई टू। क्लियर हो गया, हमें केवल m पद को अलग करना है, m बाई टू वन बाई टू माइनस में है, m बाई टू माइनस वन बाई टू मतलब होता है m बाई टू माइनस वन बाई टू अलग अलग, ठीक है ना। सेम ऐसे यहां करेंगे हम इक्वल टू वन, इक्वल टू वन माइनस m बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री। हमने इसके दो पार्ट कर लिए, m बाई टू और वन बाई टू देख रहे हैं ना, इसके टू पार्ट कर लिए m बाई थ्री और टू बाई थ्री हो गया। इससे आपको सवाल पकड़ने में आसानी होगी। अब आप क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको इस तरह निकालने के बाद ब्रेकर से m माइनस m बाई टू, ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको ब्रेकर के बाहर ला रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इक्वल टू वन माइनस, तो ये सारे m बाई थ्री माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा। इतना आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है ना। जब ब्रेकर से बाहर गिनतियां आती हैं तो प्लस में आती हैं, तो m माइनस m बाई टू प्लस m बाई थ्री, चलो एक तरफ कर लेते हैं, m m माइनस टू, m माइनस m माइनस टू, ये इधर आया तो प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि इधर माइनस में था। प्लस m बाई थ्री इक्वल टू वन को आने देते हैं, प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री, यही बना ना, m माइनस m बाई टू प्लस m बाई थ्री, वन प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री। क्या कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस पार जाने पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस सवालों में, हम इस सवालों में इस m को छोड़ देते हैं, इस 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचेगा, सीधे सीधे m और 1 के हिसाब से हमारे पास बच रहा है 2m माइनस m, ठीक है। 2m क्यों करें हम इसको, इसको 2 त्रिज्या 6 कर लेते हैं ना, तो यहां 1 था तो 2 त्रिज्या 6m हो जाएगा। अरे बाबा 2 त्रिज्या 6 ले रहे हैं, 6m माइनस 2m प्लस 2m, क्यों 2 3 जैसे हुआ है ना, 3m प्लस कितना 3 2 जैसे 2m अपान कितना 2 3 जैसे 6 हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 3 जैसे 6, ये कितना जाएगा 6 माइनस कितनी बार गया है 2 3 जैसे 6 हुआ है ना 3 प्लस 3 2 जैसे 6 ना 4, गलत होकर देखा जाएगा, दोबारा करेंगे। 6 में 3 गया 3, 3 प्लस 2 5m बाय 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 7 बाय 6, नीचे के 6 से कैंसिल हो गया सब, ठीक है ना। तो 5m इक्वल टू 7 हो गया सीधे सीधे, क्योंकि ऐसे पदों में हम नीचे वाले पद इक्वल करने के बाद छोड़ देते हैं। m बराबर कितना हो गया 7 बाय 5। आपको सिंपली ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है। फिर कह रहा है इसके बाद एक बीच में लिखा गया सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशन। सेवन कह रहा है 3 टी माइनस 3, 3 माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 5 टू टी प्लस 1, यही ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, 3 टी एक तरीका सीधे सीधे है क्या, कि हम चाहे तो इनको डायरेक्ट काट सकते हैं जैसे, तो वो लंबा हो जाएगा, इसी विस्तार से काटते हैं 3t 3 त्रिज्या 9 5 त्रिज्या 10t प्लस 5 बन जाए 5, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। अब 3t
ये प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10, 20, 5, माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9, अब ये कितना हो गया 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 70, लेकिन माइनस में इज इक्वल टू 95, 14, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 टू जब 14, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका पद माइनस में नहीं हो सकता, हमें टी निकालना है ना, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है आपका, एट 15y-4 15y-4 -2 -2y-9 +5 क्या y +6 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे समझने के लिए इस सवाल को। आप लोग दिख रहा है सवाल अच्छे से, 15y हो गया कोई दिक्कत नहीं, माइनस 15 4 60 हो गया कोई बात नहीं, अब ये -2 और y -2y हो गया कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 9 18 हो गया कोई दिक्कत नहीं, +5y हो गया +30 हो गया इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब 15y 2y और 5y, 15y -2y + 5y इज इक्वल टू 0, -60 + 60, +18 -18, +30 -30, हमने इसको ट्रांसफर कर लिया, तो 15 में से 2 गया, 13 13 + 5 18y, ओके 60 - 18 कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 42 42 - 30 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12, वेरी गुड, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 by 18, 6 2 12 6 3 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 by 3। अब आप देख सकते हैं इसमें y की वैल्यू क्या आ गई 2 by 3। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ भी गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 10, दो क्वेश्चन बच रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे किसी में समझा देंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे मुझे आशा है, तब एक क्वेश्चन में मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है 3 5z - 7, 3 ब्रेकेट में 5z - 7 -2 क्या 9z - 11, ओके इज इक्वल टू क्या 4 क्या 8z - 13 ब्रेकर बंद -17। आइए अगली जंग शुरू करते हैं हम लोग, 3 5 15z हो गया, माइनस है तो माइनस में आएगा 3 7 21, -2 + 9 हो जाएगा -2 9 18z, --+11 2 22, ओके 4 8 32z, -13 4 34 52, -17 को रहने देते हैं, ठीक है सारे जेड को हम इकट्ठा करते हैं, सारी बिरादरी को इकट्ठा करके तब आगे बातचीत करते हैं, 15z - 18z + 32z इकट्ठा करो, 15z - 18z इधर आया तो ये माइनस हो गया, 32z इज इक्वल टू -52 कोई बात नहीं, -17 कोई बात नहीं, -21 क्या आ जाएगा +21 + 22 हो जाएगा -22, थोड़ा झाल ज्यादा हो गया है, आइए एक एक करके साफ करते हैं, पहले दोनों माइनस आपस में ऐड कर लेते हैं, जेड है ही 8 2 10 कैरी 1 यही ना, 3 1 4 1 5 50z + 15z
यही ना, ये दोनों तीनों माइनस आपस में ऐड कर लेते हैं हम लोग, 5 7 2 9 9 2 11, 11 कैरी 1, ध्यान रखना तीनों माइनस वाले ही ऐड हो रहे हैं आपस में, 7 2 9 9 2 11 कैरी 1 2 1 3 3 5 8 1 9 -91 + 21, ओके। देखते हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, तो -50 -15 कितना हो गया, -35 z हो गया, -35 z हो गया, ये z है आपका, इज इक्वल टू 110 9 2 गया 7, -70 हो गया। अच्छा है, -z इक्वल टू कितना, -70/35 कितनी बार जाएगा आपका आंसर, 2 बार जाएगा, यानी -z इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, आपका z इज इक्वल टू कितना आ गया 2, z की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप लोग देख सकते हैं इस आंसर को, आपकी z की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, पॉइंट वाला है, 0.25, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, मैं हूं ना, सब समझा जाएगा, समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा, ओके, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। क्वेश्चन टर्न कर रहा है 0.25, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकेट में 4f-3, 4f-3 इक्वल टू 0.05 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10f-9, 10f-9 ये है ना, यानी जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, कैसे, 4 का टेबल पढ़ो, 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8 2 10, पीछे दो पॉइंट लगा दो, इतना एफ हो गया, ठीक है, ये प्लस में है माइनस में, -3 5 15 कैरी 1 3 2 6 1 7, अभी भी पॉइंट के लिए जगह है, क्योंकि दो गिनती है, दो पॉइंट है, 0.75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 1f हो गया, गजब। अभी ये कितना है, 10 5 50 10 5 50, डायरेक्ट दो पे पॉइंट लगना है, ये आधा हाफ हो, मतलब पूरा f नहीं बचा, आधा f हो गया, ये f का भी आधा, 9 5 45 यानी 0.45 हो गया। इंटरेस्टिंग है, अभी ये 1f है, ये -0.5f है, कितना है, ½f, इसको ½f कहेंगे, इक्वल टू 0.45 माइनस हो जाएगा प्लस 0.75, ओके, इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, 1f में से ½f गया कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ½f, अब इसको ऐड करेंगे 5 5 10 कैरी 1 7 4 11 1 12, 120 हो गया ना, 2 पे ही पॉइंट लगाना है, तो 1.2 हो गया, यानी 0.5 = 1.2, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.20/0.5, हम जानते हैं कि तब तक डिवाइड नहीं हो सकता जब तक ये पॉइंट फ्री ना हो, हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्यों, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट फ्री करना होता है हमको, ये पॉइंट खिसक गया, कितना हो गया है 12/5, या की वैल्यू कितनी आ गई 12/5, आई होप कि आपका आंसर सही हो, 12/5, तो लेकिन यहां तो कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, क्या गलती हुई है, 25 4 100, यहां 1f हो गया, 0.75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 10 50 यानी कि दो पे पॉइंट था, दोनों पॉइंट कर गया 50f, यानी आधा f हो गया, अब 5 9 45 0.45 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1f हो गया -0.5f हो गया, कितना हो गया ½f, तो बचा कितना हमारे पास ½f, पूरा f भी नहीं बचा, यानी 1/2f बचा, कितना बचा 1/2f बचा, यहाँ था हमारे पास 0.45, ये -0.75 यहाँ आया, क्या बन गया 0.75 प्लस हो गया, इनको उनको हमने ऐड किया तो ये हो गया 12, ये हो गया 7 4 11 1 12 120 हो गया,
इसके बदले पॉइंट के बदले हमारा पॉइंट आ गया 1.2, 0.5 यानी हाफ एफ इज इक्वल टू इतना, तो एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा 1.20 अपॉन 0.5। हमें पॉइंट फ्री करना है तो डेफिनेटली हमको मल्टीप्लाई करना होगा फिर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पॉइंट वाली बात आती है, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो 4f मतलब होता है केवल f होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहां पर 1f का मतलब केवल f होता है, ठीक है ना। f माइनस 0.5f इज इक्वल टू, हाँ ये गलती हुई थी हमसे, यहां माइनस 9 है तो ये माइनस में आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में होगा तो ये ऐड नहीं होगा बल्कि ये सब्सट्रैक्ट होगा। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ओके 7 इक्वल टू 3, ठीक है ये हो गया 0.30। गलती हमारी यही हुई थी 0.30, देखो एक माइनस सवाल रुक गया था, 0.5 हो गया ना। अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो हमारा क्या हो गया ये पे फ्री हो गया, ये भी पॉइंट फ्री हो गया, 3 भी और ये 5 भी पॉइंट फ्री हो गया, हमारा कितना आ गया एफ इज इक्वल टू 3/5। 3/5 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 3/5 इज इक्वल टू पॉइंट बढ़ाया 30, 5 6 30 हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.6, 0 सुंदरता के लिए लगाते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8.2.5 कंप्लीट होता है। आई होप कि सवाल में भी आपको बहुत मजा आया होगा, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, आप लोग मत कीजिएगा, ये माइनस था तो इसको हमने गलती से पता नहीं क्या कर दिया था, लास्ट में वही सवाल हमको झेला गया, फाइनली इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 0.30 आया, जिसके बेसिस आप आंसर तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर सचमुच समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, जय हिंद जय भारत, थैंक्स।